please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई में क्रिकेट प्रेमियों ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली शानदार जीत के बाद आतिशबाजी की। भारत ने इस मैच को 8 विकेट से अपने नाम किया, जिसके बाद मुंबई समेत देश के कई शहरों में लोगों ने टीम इंडिया की इस जीत का जश्न मनाया, जिसकी एक बानगी मुंबई में देखने को मिली, जहां क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत पर जमकर आतिशबाजी की। तो वहीं दुबई में भी मैच देखकर स्टेडियम से बाहर निकले टीम इंडिया के फैन जश्न मनाने से नहीं चूके। इंडियन फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है, वो जान रहे हैं कि एक और मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर उन्माद भारतीय जो फैंस हैं वो देखने लायक है। भारत के खिलाफ इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीता और लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर रही। टीम इंडिया के दोनों ओपनर ने शानदार बल्लेबाजी की और पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े। कप्तान रोहित शर्मा 52 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शिखर धवन अर्धशतक से चूक गए और वो 46 रन पर आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए अंबाती रायडू और दिनेश कार्तिक ने 31-31 रन बनाए। भारत ने 163 रनों के लक्ष्य को 29वें ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करने वाले भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बुजुर्ग को एक बेकाबू कार ने जोरदार टक्कर मारी और इसी बीच नाराज लोगों की भीड़ ने सड़क पर जगह जगह आग लगा दी। लोगों के बढ़ते हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की। भीड़ ने पुलिस वालों पर भी पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। इस बीच हादसे में मरने वाले बुजुर्ग के घर वालों ने मुआवजे की मांग की। हम लोग चाहते हैं जो उनका होना चाहिए उचित, जो होना चाहिए जुर्माना, जो होना चाहिए उनका लाश के साथ जो होना चाहिए वो कर दे। जिसके बाद बुजुर्ग के घर वालों को मुआवजा देने का ऐलान करके पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। जो मुआवजा का प्रावधान है वो लोग पूरा करेंगे। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर पर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। वाराणसी में बस स्टैंड में खड़ी लखनऊ जाने वाली एक बस से अचानक आग लग गई। आरोप है कि अलग पूर्वांचल राज्य की मांग पर सुनवाई नहीं होने से नाराज एक महिला ने बस में आग लगा दी, जिसके बाद बस स्टैंड परिसर में खड़ी वाराणसी से लखनऊ जाने वाली बस में आग की लपटें उठने लगी। बस में आग लगते ही वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फिर आग को बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। हर तरफ अफरा तफरी है, भीड़ का माहौल आप देख सकते हैं, पूरी भीड़ है और पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी भीड़ को हटा रहे हैं। बड़ी घटना हो सकती थी, इस रोडवेज परिसर में और भी बसें थी, यात्री भी थे। दावा है कि बस में आग लगाने की सूचना भी आरोपी महिला ने खुद ही दी। आरोपी महिला के मुताबिक उसके संगठन का एक सदस्य अलग पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग को लेकर पिछले 36 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा है। महिला ने सरकार पर उनके अनशन की तरफ ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। सरकार वार्ता नहीं कर रही है, ध्यानाकर्षण के लिए हम जो गांधीवादी तरीके से लड़ रहे थे सरकार ने मजबूर कर दिया आज हमको भगत सिंह तरीके से लड़ने पर। सड़क परिवहन विभाग के कर्मचारियों और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया और आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।